गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज का जो टॉपिक है आपको ना याद करना है ना समझना है, बस इसको सुनना है एक बार। और सुनने से क्या होगा? सुनने से आपकी तो वोकैब से इंग्लिश लैंग्वेज के वोकैब कई गुना इन्हांस हो जाएगा। बस एक बार आपको सुनना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। समझने की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, इट विल ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड इट। देखते हैं क्या है, दैट इज प्रेफिक्स। ये सब प्रेफिक्स है, टोटल मैंने 26 प्रेफिक्स लिखे हैं, उसके एग्जाम्पल के साथ मैं बात करूंगा। और ये चीजें आप इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड बनाने में आपको हेल्प करेगा। आइए समझते हैं। एंटी, पहला प्रेफिक्स है एंटी। एंटी का मीनिंग होता है अगेंस्ट। एंटी मीन्स अगेंस्ट, खिलाफ, विरुद्ध। ऐसे कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं? ऐसे कुछ भी वर्ड, बहुत सारे वर्ड लगा सकते हैं जिसके आगे एंटी लगा देंगे, मीन्स अगेंस्ट। जैसे करप्शन, उसके आगे एंटी लगा दीजिए, एंटी करप्शन, करप्शन के विरुद्ध। रैगिंग, एंटी रैगिंग, मीन्स अगेंस्ट द रैगिंग। एंटी सोशल, मीन्स अगेंस्ट द सोशल। एंटी फ्रीज, अगेंस्ट द फ्रीज। नंबर टू है री। री मीन्स अगेन या बैक, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, वापस या फिर से, दोबारा। री डू मीन्स डू अगेन। री फिल मीन्स फिल अगेन। री कलेक्ट मीन्स कलेक्ट अगेन। री फ्रेश मीन्स फ्रेश अगेन। नंबर थ्री है इंटर। इंटर मीन्स बिटवीन, दो के बीच में। इंटर मीन्स बिटवीन। इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन मीन्स देयर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन टू स्टेट। इंटर मिशन means between the mission. Intermittent means between the mittent. Pre means before, पहले, से पहले या के पहले। Prepaid means paid से पहले, before the paid। Pre-planning means planning से पहले। Pre-examine, examine से पहले। Pre-board means before the board। Post means after, बस प्री का अपोजिट है पोस्ट। जिस वर्ड के आगे पोस्ट लगा देंगे मीन्स उसके बाद, पोस्ट पेड, पेड के बाद। पोस्ट मेरिडियन मीन्स मेरिडियन के बाद। पोस्ट मॉर्टम, मॉर्टम के बाद। मिस मीन्स रॉन्गली, मिस का यूज किस सेंस में किया जाता है? रॉन्गली के लिए। जैसे अंडरस्टैंडिंग, उसके आगे मिस लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? मिस अंडरस्टैंडिंग, इट मीन्स रॉन्गली अंडरस्टैंडिंग। मिस फॉर्च्यून मीन्स रॉन्गली फॉर्च्यून। मिड मीन्स मिडिल, मिडिल मीन्स बीच में। मिड डे मीन्स इन द मिडिल ऑफ द डे। मिड एयर मीन्स इन द मिडिल ऑफ द एयर। मिड डे मील मीन्स द मिडिल मील ऑफ द डे। डी, डी का यूज किया जाता है नॉट को बताने के लिए। जैसे डी एक्टिवेट means not activate। D accelerate means not accelerate। D forest means not forest। 4 F-O-R-E, 4 means before, इसका भी meaning होता है before, पहले। जैसे for runner means runner से पहले। For most means सबसे पहले। For father means father से पहले। Extra, extra का meaning होता है more than या beyond, मतलब से ज्यादा या के परे। जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर मींस करिकुलर के बियॉन्ड या मोर देन करिकुलर। एक्स्ट्रा वैगेंट मींस जो खर्चा करता है उससे ज्यादा, मोर देन वैगेंट या बियॉन्ड द वैगेंट, दैट इज एक्स्ट्रा वैगेंट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मींस मोर देन ऑर्डिनरी और दैट पर्सन इज बियॉन्ड द ऑर्डिनरी। नेक्स्ट है इंट्रा। इंट्रा मीन्स होता है विदिन, के अंदर। इंट्रा स्टेट मीन्स विदिन द स्टेट, स्टेट के अंदर। इंट्रा पर्सनल मीन्स पर्सनालिटी के अंदर। नॉन मीन्स नॉट, नॉन, नॉन सेंस, सेंस के आगे नॉन लगा दिया, नॉन सेंस मीन्स हैविंग नो सेंस। यूनिफॉर्म के आगे नॉन लगाते हैं तो बन जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मीन्स हैविंग नो यूनिफॉर्म। सेमी, सेमी मीन्स होता है हाफ। ऐसे सारे वर्ड जिसके आगे आप सेमी लगा देंगे मीन्स होता है उसका हाफ। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मीन्स सर्कल का हाफ, हाफ ऑफ द सर्कल। सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन
through which the things will not go on. That is semi, आधे जाता है, semi permeable membrane is half membrane. Sub, sub means under, under means नीचे. Marine, उसके आगे sub लगाते हैं, submarine means marine के अंदर, नीचे. Sub script means उस script के नीचे. Sub division means उस division के नीचे. Next है super, number 15 पे है super. Super means above, उससे ऊपर. Super star means above the star. Super power means above the power. Next है trans, trans means across, k par. Trans means k par या across. Transport means port के पार. Transdermal means dermal के पार, dermal के पार, dermis के पार. Transdermal. Transparent means उसके परे, उसके पार दिखाई देना. Next है in, in means होता है not, और in का सिर्फ अलग meaning भी होता है में, लेकिन यहाँ पे in को हम not के form में ले रहे हैं. In means not, नहीं. In active means which is not active. Indirect means that is not direct. Incomplete means not complete. लेकिन indoor या inside उसका meaning not नहीं होता है वहाँ पे. Next है multi. Multi means many. Multi millionaire means वो millionaire बहुत बड़ा है, मेनी है, मेनी मिलियनर. मल्टी लिंगुअल मींस हैविंग दैट पर्सन नो मोर देन वन लैंग्वेज, दैट पर्सन इज नोइंग मेनी लैंग्वेज. मल्टी लिंगुअल. मल्टी पर्पस मींस व्हिच इज हैविंग मेनी पर्पस. इम, इम मींस नॉट, दैट इज पॉसिबल. इम लगाइए, नॉट पॉसिबल दैट इज impossible. Im, mortal means that things which is mortal. Im लगाने से हो जाएगा immortal means that is not mortal. Moral, having moral. Im means having no moral, that is not. Next है un. Un means not. Not means नहीं. Happy, happy क्या है, un लगाते हैं. Unhappy means not happy. Unworthy means not worthy. Cover, uncover means not covered. Dis, dis का meaning भी होता है not. Agree, उसका अगर dis लगा दिया, dis, disagree means that person is not agree. Advantage, उसका अगर लगा dis, disadvantage, जिससे हमें कोई advantage नहीं मिलता है, disadvantage, not advantage. Disorder means not order. Disobey means not obey. Next है MB. AMBI. MB means both या around के sense में इसका use किया जाता है. Ambiguous means that is not clear, means इधर या न उधर, both या उसके आसपास, that is ambiguous, not clear. इसलिए इसका sense use किया है both या around. MB tendency means having both the tendency of doing anything. Next है anti. Anti का meaning भी होता है pre या बिफोर. एंटी मीन्स बिफोर. एंटी मेरिडियन मीन्स मेरिडियन से पहले. एंटी डेट मीन्स डेट से पहले, बिफोर द डेट. सरकम. नेक्स्ट है सरकम. सरकम मीन्स होता है अराउंड, चारों ओर. सरकम फेरेंस मीन्स उस फेरेंस के चारों ओर, दैट इज सरकम फेरेंस. सरकम वेंट मीन्स उस वेंट के चारों ओर, दैट इज सरकम वेंट. X, X means होता है past या former, पहले का, भूत का. That is ex mayor means mayor was past or former. Ex president means the president was former or past. Ex president. And the last word is hyper. Hyper means over or beyond, ज्यादा या के परे. Example है टेंशन. टेंशन अगर हमसे बाहर है, आउट ऑफ कंट्रोल है, बियॉन्ड है, दैट इज हाइपर टेंशन. बोले मींस वो सिचुएशन दैट इज आउट ऑफ कंट्रोल, दैट इज हाइपर बोले. इन दिस वे आई हैव गिवन यू 26 प्रीफिक्स
and with the help of it you can make or you can multiply many vocabs in English language. Thank you so much and bye bye, goodbye.